नमस्कार, आप देख रहे हैं LTT न्यूज़। LTT न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। उच्च तकनीक पौधशाला लाल कुआं में वृक्षारोपण के लिए पौध बनकर हुई तैयार। इस वर्ष वन विभाग की टॉली रेंज करेगी 1,00,000 पौधों का वृक्षारोपण। टॉली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी श्री अनिल जोशी ने दी जानकारी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष टॉली रेंज 1,00,000 पौधों का वृक्षारोपण करेगी। पौधशाला में पौध बनकर तैयार हो चुकी है। डॉली रेंज के अंतर्गत इस वर्ष प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशों पर 150 हेक्टर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है, जिसमें जिस पौधों में लगभग फील्ड तैयार किया जा चुका है, बीज रोपण किया जा चुका है, जिसमें जुलाई और अगस्त में इन वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन वृक्षारोपण विविध प्रजाति की हमने इस वर्ष नर्सरी में पौध तैयार की है, जिसमें आंवला, बहेड़ा, अमलतास, जामुन, अर्जुन इत्यादि विविध प्रजाति के पौधे। और पौधे वास्तव में उत्तराखंड में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस वर्ष जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ तारबाड़ की गई है। एक वाचर 24 आवर्स तैनात है जंगल में, और इसके अलावा कहीं कहीं संवेदनशील स्थानों में जहां पालतू पशुओं द्वारा या अन्य किसी जीव जंतुओं द्वारा पौधारोपण को नुकसान किया जाए वहाँ खाई खुदान भी किया गया है। तो पूरी तैयारी है, वन विभाग पूरा चौकस है, और यह है कि 100% सफलता के साथ वृक्षारोपण किया जाएगा। हाँ, इस वर्ष पूरे जो हमारा जो 150 हेक्टर का प्लांटेशन क्षेत्र है इसमें लिप्टिस और सागौन की प्रजाति को नहीं रखा गया है। इसमें विविध प्रजाति की ही पौधों को रखा गया है, ताकि जीव जंगल में जो जीव जंतु हैं उनके भी उपयोग बना रहे, उनके उपयोग में लाई जा सके, और पर्यावरण ऑक्सीजन के हिसाब से जो बेहतर रहे।